दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, चंद मिनटों का वीडियो है, कुछ ही क्षणों में वीडियो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज पहली बार यूट्यूब पे ML और BL गन का मीनिंग मैं आपके सामने रख रहा हूं। आज तक आपको ये किसी ने नहीं बताया होगा कि ML और BL गन में क्या फर्क है, क्योंकि 90% लोग तो इस काम के बारे में जानते ही नहीं है, और जिनके पास ये गन्स मौजूद है उनको ये भी नहीं पता है कि कौन सी गन ML होती है और कौन सी BL होती है। तो गाइस, आप वीडियो के साथ बने रहिए। वैसे तो कई प्रकार के गन्स राइफल आते हैं, लेकिन आज हम दो का अंतर आपको बताने वाले हैं, और ये फर्स्ट टाइम यूट्यूब या किसी ऐप पे वीडियो अपलोड हो रहा है ML और BL गन्स की मीनिंग का। तो ऐसे क्वेश्चन पुलिस आर्मी सब में पूछे जाते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है, फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल या वीडियो पे हो तो चैनल को कर लो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे हम हमेशा यूजफुल कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। सब्सक्राइब करने से हमेशा आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का मिलता रहेगा। तो गाइस, देर हम बिल्कुल नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। हाँ जी, तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं BL और ML गन की। मींस BL means ब्रिज लोडिंग गन और ML means मजल लोडिंग गन। तो इसी में मैं आपको फ़र्क बताने वाला हूँ कि आखिर इन दोनों गन्स में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले हम BL गन दिखा रहे हैं आपको, और BL गन का जहाँ तक सवाल है, बहुत सारे बोर इसमें तैयार होके आते हैं, जैसे 12 बोर है, उसके बाद इसमें आता है 16 वोर गन आती है, फिर 20 वोर गन आती है। तो जहाँ तक 20 वोर गन का सवाल है, वो लेडीज़ के लिए बन के आती है। और दूसरा ये है कि BL गन को डेंजर हथियारों में भी शामिल किया गया है, क्योंकि BL गन्स काफ़ी महंगे रहते हैं और सबसे ख़तरनाक हथियारों में इनको गिना जाता है। और दूसरी तरफ जब बात की जाए ML गन मजल लोडिंग गन की, तो 1425 ईस्वी में बनाने की सर्च चल रही थी, पर 1600 में, लगभग 1600 के करीब इस गन को सर्च कर लिया गया था, और 1850 में इसे एक कानूनी अथॉरिटी मिली। हालांकि मजल लोडिंग गन काफ़ी सस्ती है और ये ज़्यादातर खेती बाड़ी के लिए यूज होती है आज के ज़माने में। तो मजल लोडिंग गन एक प्रकार से हिंदुस्तान की परंपरा भी रही है। तक तो आपको समझ आ गया होगा, आइए अब हम इसको जानते हैं 3D और एमिनेशन की मदद से कि इसकी लोडिंग और अनलोडिंग कैसे होती है। हाँ जी, तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको DBL गन दिखा रहा हूँ। DBL means डबल बैरल लोडिंग, इसी को BL गन कहा जाता है। तो एक मैं आपको सिंगल बैरल भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको पता लग सके कि BL गन कहाँ से लोड होती है, और तभी इसे BL गन बोला जाता है। BL गन हमेशा पीछे से लोडिंग होती है इसकी, और ये शूट करते टाइम धोखा नहीं देती, क्योंकि इसका एमिनेशन बना बनाया आता है जो काफ़ी सॉलिड रहता है। और दूसरी तरफ मजल लोडिंग गन की बात की जाए, तो मजल लोडिंग गन को हमेशा आगे से लोड किया जाता है, और मजल लोडिंग गन की इतनी ज़्यादा कैटेगरी नहीं है। अब मजल लोडिंग गन का ज़माना ख़त्म होने को है धीरे धीरे, तो इनको बनाना भी कंपनियों ने छोड़ दिया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा यार, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट में लिखिए, मैं उसका आंसर देने में पूरी तरह से सक्षम हूँ। और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जरूर यार सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।